नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। मैं ध्रुवकांत दीक्षित आज आपसे चर्चा करूंगा कुछ ज्ञान परंपराएं। जी हाँ, आज पूरे देश में जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, भारतीय ज्ञान परंपरा का बहुत ही जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। आज मैं यहाँ बिलासपुर में DP विप्र कॉलेज में आया। कॉलेज में प्रवेश करते ही भारतीय ऋषि मुनियों के फोटो लगे हैं और लिखा ही है भारतीय ज्ञान परंपरा द्वार। ये है क्या? देखिए, हमारी संस्कृति भारतीय ज्ञान परंपरा ये वैदिक काल पौराणिक काल की बात करती है। ये कई सालों तक चलती रही हमारी, लेकिन विगत 300 वर्षों में हमारी संस्कृति में बहुत बदलाव आया। हमने अपनी ज्ञान परंपरा को छोड़ के, उसको किनारे रख के पाश्चात्य संस्कृति अपनाई। मैकाले ने जो शिक्षा प्रणाली दी, अगर आप पे ध्यान दें जरा सा भी, तो मैकाले ने हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त करके एक नया सिस्टम चालू करा जो पाश्चात्य जगत से उत्प्रेरित था, अंग्रेजी शिक्षा जो कहलाती है, जिसमें उसने ये कहा व्यक्ति को आत्म केंद्रित कर दिया, सेल्फ सेंटर्ड कर दिया। हम जो शिक्षा प्रणाली हम चला रहे हैं मैकाले से, वो वास्तव में व्यक्ति को आत्म केंद्रित कर देती है, जीव को पार्जन के लिए तैयार करती है। आप सिर्फ एक सरकारी नौकरी करें, व्यक्ति के जो नवावेश होना चाहिए, उन्मेष होना चाहिए, व्यक्ति के विचार होना चाहिए, व्यक्ति की भावनाएं होना चाहिए, ये शिक्षा कुछ नहीं। आज आप किसी भी इंजीनियर से, किसी भी डॉक्टर से, किसी भी समाजशास्त्री से, या किसी भी वाणिज्य शास्त्री से, किसी भी CA से आप चर्चा करिए, वो सिर्फ आपको रटे रटाए सिद्धांतों की बात करेगा। मेडिकल साइंस में डॉक्टर सिर्फ मरीज को देखते हैं, जो उन्होंने पढ़ा, जो बताया गया, उसकी दवाई दे देते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, व्यक्ति कैसे क्योर होगा, व्यक्ति को क्योरेबल करने के लिए कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं अपना लगा। अब आप देखिए इंजीनियरिंग में नवाचार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वही जो चला आ रहा है। आज आपने सस्ती प्रणाली क्यों नहीं, सस्ते घर बनाने की बात क्यों नहीं करते, सस्ते पुल बनाने की बात क्यों नहीं करते, लागत कम क्यों नहीं कर रहे हैं, करोड़ों की लागत आ रही है, आप उसको टिकाऊ क्यों नहीं बना रहे। अभी बिहार में देखिए लगातार पुल गिर रहे हैं, और भी जगह हैं, सड़कें जो बनती हैं आपकी एक ही बारिश में धुल जाती हैं, उखड़ जाती हैं। ऐसा क्या है? आपकी टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो टिकाऊ हो। भारतीय ज्ञान परंपरा टिकाऊपन की बात करती है, उसमें नए नए खोजों की बात करती है, हम वो नहीं करते। आज जितने भी हैं, हम समाजशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री हैं, इतिहासकार हैं, राजनीति शास्त्र हैं, जो हम पाठ पुस्तकों में है उसको पढ़ते हैं, मर्टन की थ्योरी, मर्टन का प्रकारवाद पढ़ते हैं, पार्सन का सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत पढ़ते हैं, दुर्कीम का सामाजिक तथ्य का सिद्धांत पढ़ते हैं, आत्महत्या का सिद्धांत पढ़ते हैं, और बच्चों को पढ़ा देते हैं। अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का सिद्धांत पढ़ेंगे, बता देंगे कम मूल, अधिक मूल, लागत सिद्धांत, सीमांत सिद्धांत, उत्पादन अधिक, बस इसके ज़्यादा। राजनीति शास्त्री की राजनीति क्या है, प्लेटो ने क्या क्या कहा, अरस्तु का सिद्धांत, लॉक का, हाउ हाउस का सिद्धांत। हम में से कितने समाजशास्त्री प्राध्यापक हैं जिन्होंने कोटा में जो आत्महत्या कर रहे हैं बच्चे, आज पढ़ने लिखने वाला बच्चा आत्महत्या हर शहर में कर रहा है, वो उसके कारण नहीं निकाल रहे हैं। आत्महत्या का सिद्धांत तो हम पढ़ाते हैं कि गर्मियों में आत्महत्या, ठंड में कम हो जाती है, गर्मियों में बढ़ जाती है, सिविलियंस कम करते हैं, मिलिट्री वाले अधिक करते हैं, विवाहित अधिक करते हैं, ये सारे सिद्धांत हम बताते हैं। चार प्रकार की आत्महत्या होती है, समाज का दबाव बढ़ जाता है, समाज का प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन उसके सलूशन नहीं दे रहे। भारतीय ज्ञान परंपरा कहती है व्यक्ति समझे और अपने हिसाब से ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो नवावेश करे, जो विचार लाए, व्यक्ति को सीखने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करे, व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर बने, नौकरी के लिए नहीं। आज मैंने देखा है कि बच्चे पास आउट होते हैं, नौकरी मिलती है, कंपनी आती है, सिलेक्ट करके जाती हैं, बस उसमें खुश हैं, लेकिन वो उस डिग्री के बारे में अगर आप पूछें
जो उन्होंने 3 साल ग्रेजुएशन गैप, अगर अपन गिन लें तो 12 साल स्कूली शिक्षा के, 3 साल ग्रेजुएशन, कहीं 4 साल की है जैसे इंजीनियरिंग वगैरह, और फिर पीजी करा एमबीए वगैरह 2 साल वो, तो 12, 3, 15, 2, 17 साल के शिक्षा में आपने क्या पूछा, फिर उसकी कोई उनको चर्चा ही नहीं करते, वो सिर्फ अपनी कंपनी के प्रॉफिट में लग जाते हैं, कंपनी के दिए गए एजेंडे में काम करते हैं। जबकि भारतीय ज्ञान परंपरा कहती थी कि आप नई नई खोज करें, हमारा वैदिक ज्ञान कहता था, अगर भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी पुष्ट थी तभी तो देखिए हमने सून का आविष्कार करा, हमारे आर्यभट्ट हुए, रामानुजम हुए, हमने नागार्जुन जैसा हुआ, हमारे यहाँ सर्जरी हमने सब निकाल, सारी चीज़ें हमने निकाल दी थी, हम उसको पेटेंट नहीं करा पाए, लेकिन सारी चीज़, सारी परंपराएं, सारे ज्ञान, सारा देशज ज्ञान अगर आप देखें तो विश्व स्तरीय था। ये है भारतीय ज्ञान परंपरा जो कि बच्चों को आत्मनिर्भर करती है, और पाश्चात्य शिक्षा मैकाली की वो आत्म केंद्रित सेल्फ सेंटर्ड बना देती है कि आप अपने किताबी ज्ञान से बाहर नहीं निकलेंगे, ये जो आपने किताब पढ़ ली बस यही आपकी है, और वो सिर्फ कट एंड पेस्ट है। आज तो कंप्यूटर का ज़माना है, पहले भी कट एंड पेस्ट होता था, अभी भी होता है। ये है पश्चिमी ज्ञान, वो सिर्फ नौकरी के लिए कि आप इतना पढ़ लें नौकरी के लिए, नौकरी की पात्रता है। तो मैकाली की शिक्षा जो है एक पात्रता परीक्षा बन के रहेगी, ज्ञान की परंपरा नहीं। मैकाली की शिक्षा सिर्फ नौकरी की खोज तक सीमित रहेगी, नौकरी करने वाला उद्यमी बनाती है, जबकि भारतीय ज्ञान परंपरा एक स्वतंत्र विचार, नए नए नवोन्मेष करना, नए नए विचारों को लाना, नई खोज करना, आत्मचिंतन करने वाला, स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाने वाला, और लोगों को सामूहिक रूप से चिंतन के लिए प्रेरित करने वाली है। वो तार्किकता की बात करती है, लॉजिक की बात करती है, जबकि मैकाले की शिक्षा जो है पाश्चात्य शिक्षा, उसने क्या करा भारत में, सिर्फ नौकरी ओरिएंटेड बनाया, नकल वाला बना दिया आपको, शिक्षा से दूर, सिर्फ आपके पास कागज का एक टुकड़ा मात्र रहता है और शिक्षा आपकी नहीं रहती है। अब मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, फिर आप उनसे पूछिए तो नहीं बता पाएंगे, चर्चा ही नहीं कर पाते। अभी हमारे यहाँ एक विश्वविद्यालय का हुआ हाल कि फर्स्ट ईयर की अंग्रेजी का पेपर था और सेकेंड ईयर का था, तो सेकेंड ईयर के अंग्रेजी के पेपर में फर्स्ट ईयर के सिलेबस से आ गया, उसमें सिलेबस में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं था, ग्रामर तो वही रहती ना, ग्रामर वही है, सब कुछ वही है, थोड़ा उसमें राइटर्स की बात बदल गई, बच्चों ने पेपर आउट कर दिया और यूनिवर्सिटी को दबाव बस दोबारा कराना पड़ रहा। सेकेंड ईयर के बच्चे भूल गए, सोचिए फर्स्ट ईयर पे पढ़े थे, फर्स्ट ईयर की भूल गए, अभी साल भर में अंग्रेजी भाषा है वो भूल गए, बोले ये तो हमको पढ़ाए नहीं, हम ये है नहीं। अब वो सिलेबस में ग्रामर को थोड़ा क्लासिफाइड कर दिया, फर्स्ट ईयर में वर्ब नहीं रखा था, प्रोनाउन रखा था, नाउन रखा था, अब वही चीज़ सेकेंड ईयर में अगर नाउन प्रोनाउन पूछ ली तो क्या गलत हुआ एग्जामिनर ने, आपको पुरानी चीज़ें भी तो याद होना चाहिए ना, आपका बेस नहीं रहेगा आगे आप पढ़ते जाओगे। ये है पाश्चात्य शिक्षा, मैकाले की शिक्षा, जो सिर्फ आपको एक पात्रता प्रदान करती है, पात्रता कि आप पढ़ लिख लिए, आप पात्र हो गए नौकरी के लिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी तो इंजीनियर बन जाएंगे, बीए एमए कर लिया, पीएचडी कर ली तो प्राध्यापक बन जाएंगे, मेडिकल की कर ली तो डॉक्टर बन जाएंगे, ये है, कॉमर्स की कर ली तो सीए बन जाएंगे, ये चीज़। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा क्या आपको जड़ों से जोड़ती है, आपको बौद्धिकता के साथ जोड़ती है, समूह के साथ जोड़ती है, आपको तार्किकता के साथ, लॉजिक के साथ जोड़ती है, आप में अपनेपन समाज के साथ, कि आप ऐसा अध्ययन करिए, ऐसा चिंतन करिए जो पूरे समाज के काम है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने करा, सुश्रुत ने जो सर्जरी करी वो आज सबके काम आ रही ना, खाली सुश्रुत बनने के काम तो नहीं आई, चरक की संहिता जो है, चरक संहिता मेडिकल साइंस की, सबके काम आ रही ना, हमने सून का आविष्कार करा, आर्यभट्ट ने जो ग्रह की प्रणाली निकाली सबके काम आ रही ना, तो वो चिंतन जो है भारतीय ज्ञान परंपरा का, हम जो भूल गए थे पिछले 300 सालों से, उसको फिर से समाहित करा जा रहा है, जिससे हमारे यहाँ बच्चे पढ़ें समझें भारतीय ज्ञान से। अब रामायण सब पढ़ते हैं, लेकिन रामायण अगर आप देखें, रामचरितमानस और रामायण एक पारिवारिक दृष्टिकोण से हमने देखा नहीं, तुलसीदास जी को हम समाजशास्त्री नहीं मानते, उनको कविवर मानते हैं, जबकि तुलसीदास से बड़ा समाजशास्त्री कोई है ही नहीं, अगस्त काम दुर्खीम इमाइल दुर्खीम पार्सन बेबर सब फेल हैं उनके सामने, तुलसीदास जी के, उन्होंने परिवार की कितनी बढ़िया रचना की है,
परिवार में नातेदारी, परिवार में भाई के संबंध, भाई के संबंध, पिता के संबंध, माँ के संबंध, पिता का दाई, सब चीज विवेचना की है। कबीर को देखिए, कबीर किसी स्कूल में नहीं गए, किसी समाजशास्त्री स्कूल में नहीं गए, स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी में नहीं गए, लेकिन कबीर ने जात पात धन परंपरा रूढ़ियाँ सबको अपने सुंदर दोहे और कविताओं के माध्यम से दूर करा, उसका निरका वो सोल्यूशन देते थे। कबीर की वाणी में आपको सोल्यूशन मिलेगा, तुलसी के साहित्य में आपको सोल्यूशन मिलेगा, अगस्त काम दुर्खीम वेबर पार्सन्स के सिद्धांतों में आपको कौन सा सोल्यूशन मिल रहा है। दुर्खीम ने बताया ना आत्महत्या इस कारण से होती है, लेकिन उसका सकारात्मक उत्तर नहीं दे पाए। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको अगर आप कबीर और तुलसीदास होते तो वो आत्महत्या का सोल्यूशन भी देते। ये है भारतीय ज्ञान परंपरा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।